एक सूटकेस हो गया, ये एक बैग हो गया, ये ऐसे नहीं एक नहीं, वन टू थ्री करके, थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, शूज, इलेवन, ट्वेल्व, लैपटॉप बैग, थर्टीन, बस और तो कुछ भी नहीं है ना, टोटल थर्टीन, और तो कुछ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी लोग खैरियत से हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम लोग मदीने से मक्के के लिए रवाना हो रहे हैं और ये हमारा रूम से सामान रखा जा रहा है, आप देखें। और ये बहुत ही ज़्यादा जज्बाती सफ़र है क्योंकि मस्जिद नबवी से जाना, मदीने से जाना, अपने आका के शहर से जाना भी एक बहुत ज़्यादा जज्बाती है जो सिर्फ मतलब हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और हम ही महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को कि हमें कैसा लग रहा है। और वैसे भी हमारे लिए ये मस्जिद नबवी, मदीना शहर या मक्का मुकर्रमा का जो सफ़र है हम लोगों का, वो बहुत ज़्यादा जज्बात से भरा हुआ है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये मेरे शौहर की पहली बरसी के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, जिसके लिए अक्रमा ने माशाल्लाह से अक्रमा ने बहुत ज़्यादा दुआएं करी थी मेरे बेटे ने, और अल्लाह ने कबूल भी करी। और अक्रमा ने दुआएं करी और उसके साथ साथ उन्होंने कोशिश और मेहनत करी, जिसके नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने हम लोगों को इन मुक़दस जगहों पर बुला लिया और हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पर आ गए। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, मुझे और मेरी बेटी को तो कुछ भी पता नहीं चला, सब कुछ इंतज़ाम माशाल्लाह से अक्रमा ने ही किया था। अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे उनकी, और हासिदों के हसद से महफूज रखे और दुश्मनों की दुश्मनी से, बुख्स रखने वालों से अल्लाह ताला महफूज रखे, शर इंसानी शर शैतानी से हिफाजत करे अल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऔज़ुबिका मिन शुरूरिहिम। और ये देखिए, ये हमारा होटल मदीने का, जहाँ हम लोग ठहरे थे, ये उसके सामने का हिस्सा है और हम ठहरे थे इस होटल में। ये मेरी बेटी खड़ी हुई है और सामान गाड़ी में रखा जा रहा है। मदीना शरीफ से मक्का मुकर्रमा का जो सफ़र है, वो हमारा जो बाय रोड है, वो तकरीबन शायद 450 किलोमीटर का है, जो हम 4 घंटे या उससे कम में तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा कि हम सात खैरियत से वहाँ पर पहुँचें और उम्रा करें और अल्लाह ताला हमारे उम्रा और तमाम इबादतों को कबूल करे, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी ये सआदत नसीब करे उम्रा की। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो भी हमने यहाँ पर इबादत की है, हम लोग तो बहुत गुनाहगार हैं, हम इंसान हैं और हम नहीं जानते कुछ भी चीज़ें, दिन भर में पता नहीं कितने छोटे मोटे गुनाह करते रहते हैं और इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो क्या गलती कर रहा है। तो अल्लाह ताला जो भी हमने टूटी फूटी यहाँ पर इबादत करी है, अल्लाह उसको कबूल करे, हमारे बच्चों की इबादत को कबूल करे अल्लाह ताला, और हमें फिर से आने का यहाँ पर सआदत नसीब करे इन मुक़द्दस मकामात पर आने की। यहाँ से छोड़ के जाने की एक बहुत ज़्यादा उदासी भी है कि यहाँ से जा रहे हैं, और वहाँ पर जाने का एक अलग सा एहसास भी है दिल में कि जब वहाँ जाएंगे तो कैसा लगेगा, जब काबे पे पहली नज़र पड़ेगी तो कैसा लगेगा, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो बचपन से ही सोचता है इन जगहों पर जाने की कि अल्लाह ताला हमें मौका दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ हमारे इस सफ़र को पूरा करना, और जिस मकसद से हम और हमारे बच्चे जा रहे हैं, बच्चे अपने वालिद की पहली बरसी पर और मैं अपने शौहर की पहली बरसी के ऊपर जो नियत करके हम जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन दुआओं को हमारी कबूल करना और इस सफ़र को हमारे लिए आसान बनाना, हम खैर आफियत के साथ वहाँ पर पहुँचें और उम्रा करें। हमारी ज़िंदगी का पहला उम्रा होगा वो, और अल्लाह ताला कबूल करे उस हमारे पहले उम्रे को, तमाम इबादतों को। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके कुछ रिश्ते लिमिटेड होते हैं, जैसे वो सबसे पहले आँख खुलते ही अपने माँ बाप को देखता है या अपने बड़े भाई बहनों को देखता है, और फिर उसके बाद वो बच्चा जैसे ही कॉलेज स्कूल्स में जाता है तो जो भी उसके आसपास लोग होते हैं उससे उसका एक लगाव हो जाता है, और फिर शादी के बाद एक अनजाना रिश्ता जो कि शौहर या बीवी के रूप में आता है, शक्ल में आता है, लेकिन पता नहीं अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर के ऊपर जो अल्लाह ताला एक मोहब्बत डालते हैं दिल में, वो एक उस जायज़ रिश्ते की बस ज़ाहिर सी बात है, और वही रिश्ता जो है
जब आपके आप साथ में रह रहे होते हैं तो शायद उन चीज़ों का एहसास नहीं होता, लेकिन जब वही आपके बीच से उठकर चला जाएगा, चला जाता है दुनिया अल्लाह ताला के पास, और हम सबको मालूम है हम मुसलमान हैं और हमें मालूम है कि किसी को भी इस दुनिया में नहीं रहना है, जाहिर सी बात है सबको जाना है, एक के पीछे एक सबको चले ही जाना है इस दुनिया से, लेकिन फिर भी क्या करें, हम इंसान हैं और सब्र आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस हम यही कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी सदक़े जारिया बनकर इस चीज़ को सवाब पहुँचाएँ जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, और हम भी पहुँचाएँ, अल्लाह ताला हमें इस लायक बनाए, जब तक हम इस दुनिया में, हमारे बच्चे इस दुनिया के अंदर हैं, बस हम लोग सदक़े जारिया बने, और जब हम इस दुनिया से चले जाएँ तो जो इस दुनिया में रह जाएँ वो लोग भी हमारे सदक़े जारिया बने, हमारे लिए सदक़े जारिया बने। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम लोग तो एक मामूली से इंसान हैं और अक्सर लोग हम लोगों से कहते हैं कि आप सब्र कीजिए सब्र कीजिए, जबकि ये जो हम जा रहे हैं ये पहली बरसी है मेरे शौहर की और मेरे बच्चों के अब्बी की पहली बरसी है, तो आप खुद सोचें कि क्या जज्बात होंगे हमारे, कैसा लग रहा होगा, कैसा महसूस हो रहा होगा। तेरा दर हो मेरा सर हो ये जबी यूं ही झुकी रहे, तेरा दर हो मेरा सर हो ये जबी यूं ही झुकी रहे, मेरी आँख हो तेरी दीद हो मेरी आँख में यूं ही नमी रहे, मेरी आँख हो तेरी दीद हो मेरी आँख में यूं ही नमी रहे, तेरा दर हो मेरा सर हो ये जबी यूं ही झुकी रहे। जब हम ये सोचते हैं कि मतलब इंसान सोचता कुछ और है लेकिन ज़ाहिर सी बात है अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है, और इंसान को कुछ नहीं मालूम कि उसके आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में क्या होगा, कुछ नहीं मालूम होता, बस बंदा तो अपने हिसाब से प्लानिंग करता रहता है, तो बस यही है कि क्योंकि हम तो ये सोचते थे कि हम जब जाएंगे तो सभी लोग, हम लोग पूरी फैमिली साथ में उमरा या हज करेंगे, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं तो हमारे मेरे बच्चों के अब्बी और मेरे शौहर हमारे साथ नहीं है, तो और ये मस्जिद कूबा नज़र आ रही है हम लोगों को जो पहली मस्जिद है, तो यहीं से हम लोग गुजर रहे हैं। अब जहन्नुम का पहाड़, क्या नाम है? जबले आईर। जबले जबले आईर आईर जी जबले आईर। मुश्रिकीन यहाँ पे पनाह लेते थे, لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. इस पे लेफ्ट पे गुड तो नमाज का ब्रेक लिया है हम लोगों ने, पहले नमाज पढ़ ली और यहाँ हम लोगों ने नमाज के लिए ब्रेक लिया था बीच के अंदर, और ये देखिए कुरान शरीफ वगैरह सभी रखे हुए हैं, नमाज के लिए अलग इंतज़ाम होता है, और वहीं पर आसपास जो है खाने के लिए भी कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ बने रहते हैं, और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम होता है, मसरूआत के लिए अलग होता है इंतज़ाम, पूरे हॉल वगैरह सब बने रहते हैं, कुरान शरीफ भी होते हैं और जेंट्स का अलग होता है अल्हम्दुलिल्लाह से।
नमाज पढ़ने के बाद फिर यहाँ बर्गर किंग था जिस हाईवे के ऊपर ही बना हुआ था बराबर में, तो बच्चों को भी भूख लग रही थी और जो हमारे साथ ड्राइवर थे जाहिर सी बात है उनको भी हमें खाना खिलाना था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से बच्चों ने यहाँ से सब जो भी यहाँ पर चीज़ें मुहैया थी वो सब ही ली यहाँ से चीज़ें, क्योंकि बैठ के खाते अगर तो बहुत ज़्यादा वक्त हमारा लगता और हमें ये हो रहा था कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए। तो हम लोगों ने सब कुछ पैक करा लिया था यहाँ से और काफ़ी लोग यहाँ पर थे जो कि उमरा करने जा रहे थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी दिखे एहराम बांधे हुए हमें, और ये उनका रेस्टोरेंट भी था कि आप बैठ के खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो पैक कराया था सब और हम लोगों ने कहा कि गाड़ी में ही खा लेंगे। वैसे भी रास्ता लंबा था, 3.5-4 घंटे का रास्ता था, तो हमने कहा कि हम लोग गाड़ी में ही खा लेंगे और बच्चे अपना ये खाना खा रहे हैं। खाना तो नहीं था, मतलब बर्गर था और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस टाइप की चीज़ें थी, तो पेट तो भर जाते हैं सब चीज़ों से। हम हाईवे से जा ही रहे थे तो इतने ज़्यादा ये बंदर तो नहीं है, पता नहीं क्या है, ये लंगूर है क्या है, ये इतने ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के ये हम लोगों की गाड़ी पर इन लोगों ने एकदम से अटैक कर दिया और गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, गाड़ी को घेर लिया इन्होंने हर तरफ से, साइड से, सामने से, हर तरफ से आ गए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। तब हमारे ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर आ जाते हैं इस तरीके से और जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं लोग, क्योंकि इन्हें खाने आने को देते हैं तो उसकी वजह से ये लोग काफ़ी हमला टाइप का कर देते हैं। तो हम लोगों को एकदम से डर लगने लगा और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, ड्राउनी एकदम से ये लोग। खैर फिर वहाँ से हम लोग चले और ये बच्चे फिर सो गए थे, इन लोगों को नींद आ गई थी तो ये लोग, थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब हम मुकद्दस शहर मक्के मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह से, और एक अजीब ही एहसास हो रहा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम मक्का मुकर्रमा शहर में दाखिल हो चुके हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने दुआ पढ़ी, किसी भी नए शहर में जब आप दाखिल होते हैं या बस्ती में दाखिल होते हैं तो आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी वाखरिजनी मुखरजा सिद्क़ी वाजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीर, कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे सच्चाई के मुकाम में दाखिल कर और मुझे सच्चाई के मुकाम ही से निकाल और मेरे लिए अपने पास से मददगार कुव्वत मुहैया फरमा। तो ये दुआ हम लोगों ने पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि किसी भी जब आप नई जगह पर जाते हैं, नए शहर में जाते हैं तो आपको ये दुआ पढ़नी ही चाहिए। ये सूरह बनी इसराइली की जो 80 नंबर आयत है उसके अंदर है ये, और उसके बाद फिर आप रब्बे अंजिलनी मुनज़ला मुबारकों व अंता खैरुल मुनज़िलीन, यानी कि ऐ मेरे रब मुझे बरकत वाली जगह उतार और तू सबसे अच्छा ठिकाना देने वाला है, ये अल मोमिनून आयत नंबर 29 है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए ये हम लोग आ गए मक्का शहर की बिल्कुल अंदर दाखिल हो चुके हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह।
और अब हम बिल्कुल अपना जो हमारी मंजिल थी उसके बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे। हमारा जो हम होटल था वो क्लॉक टावर में था अल्हम्दुलिल्लाह, जो दूर से ही नज़र आ जाता है। जब आप मक्के मुकर्रमा शहर की हदूद में दाखिल होते हैं तो वो दूर से ही क्लॉक टावर नज़र आ जाता है आपको। और ये देखिए, हम बिल्कुल क्लॉक टावर के जो पार्किंग है अब उसमें आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब उमरा करने वाली बसेस जो आए हैं उमरा करने के लिए, उनकी बसेस भी खड़ी हुई थी और लोग वैसे भी पैदल भी जा रहे थे, ये सब पैदल भी लोग जा रहे हैं। तो और काफ़ी यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल भी वो लोग रुकने नहीं देते, आप बस जैसे ही अगर आप नहीं आएंगे तो वो गाड़ी चली जाएगी, अगर आपने कोई गाड़ी बुक वगैरह करी है और फिर वो चली जाती है, और आपका जो पैसे हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो वापस तो होते नहीं हैं, नॉन रिफंडेबल होते हैं वो। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल टाइम वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और होनी भी चाहिए वक्त की पाबंदी। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी गाड़ियों की, कि सभी ये पार्किंग है वहाँ पर, होटल्स की पार्किंग है, क्योंकि जितने भी क्लॉक टावर में होटल हैं उनकी पार्किंग यहीं है अंदर। बाकी आप अंदर जब होटल में चले जाते हैं तो वहाँ से लिफ्ट से फिर आप नीचे जा सकते हैं, जो कि हरम शरीफ में बिल्कुल लिफ्ट खुलती है, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब दो चार कदम बाद ही वो आ जाता है हरम शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम आ चुके हैं पार्किंग में, और यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम था। देखिए यहाँ भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप देखें नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग यहाँ पर भी, कहीं पर भी कोई भी नमाज़ पढ़ता है, क्योंकि सारी जगहें यहाँ पर पाक हैं, सब मुकद्दस है, जाहिर सी बात है मुकद्दस शहर है, मुकद्दस शहर की मुकद्दस ज़मीन है, तो आप कहीं पर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। जहाँ पर भी वक्त हो जाता है लोग भागते हैं, जा नमाज़ें ले लेके भाग रहे होते हैं, और अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते मस्जिद अल हराम तक, तो वो लोग जहाँ भी उन्हें जगह मिलती है वो वहीं पर ही पढ़ लेते हैं, चाहे वो सड़क का फुटपाथ होगा या कुछ भी होगा, वहीं पर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। और अल्लाह ताला जाहिर सी बात है आपकी नियतों को देखते हैं अल्लाह ताला की नियत किस तरीके की, ये देखिए नमाज़ पढ़ रहे थे यहाँ भी। और अब हम आ चुके हैं बिल्कुल अपने होटल की पार्किंग के सामने, और यहाँ पर इन लोगों ने हमारा सामान लिया सब। फौरन ये लोग आते हैं, अटेंड करते हैं, और आने के बाद इन लोगों ने हमारा सामान लिया, और सामान भी इतनी अच्छे तरीके से ये लोग पहुँचाते हैं अंदर कि वाकई में देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो खुले में आपका सामान लेके जाएंगे। और ये हमारा सामान गाड़ी से उतर रहा है, हम लोगों ने कहा कि गिन लें, क्योंकि मदीने में जैसा कि हमारा एक बैग छूट गया था, वो वीडियो आप देखिएगा हमारा कि किस तरीके से हमारा बैग एयरपोर्ट की पार्किंग में ही रखा रह गया था, तो इसलिए अब हम लोग वो गलती दोबारा से नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने कहा भाई यहीं खड़े रहो, ये बैग ब्राउन कलर का जो दिख रहा है लैपटॉप वाला, वो हमारा मदीने की पार्किंग में ही रह गया था। अगर आपने ना देखा वो वीडियो तो प्लीज़ देखिएगा। तो हमने कहा भाई इस बैग को तो ज़रूर उतारना है, क्योंकि इस बैग में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रहता है, तो इसलिए हमें बहुत हम वहाँ से अंदर जा नहीं सकते थे। तो हमने कहा नहीं नहीं पहले पूरा सामान हम गिन लेते हैं, और उसके बाद ही हम लोग साथ में जब सामान हमारा चला जाएगा तभी जाएंगे। तो हम लोग को ये जो वो कहते हैं ना कि एक बार आपको आपके साथ हो चुका होता है ऐसा, तो फिर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं, तो इसलिए हम कहीं अब जब होटल से निकल रहे होते थे तब भी सामान हमें गिनना है, और जब हम कहीं और जा रहे होते हैं तभी भी हमें सामान गिनना ही होता है, और एक इंसान को सामान के पास खड़ा रहना ही होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इधर उधर कोई चीज़ हमारी रह जाए। तो इसलिए जो है इकरा ने भी सारा सामान पहले गिना, हमने भी गिना, और फिर उन्होंने गाड़ी में भी देखा, हमने कहा देखो कोई बैग वैग ना छूट जाए कहीं, देख लेना पूरा गाड़ी को खोल के। तो उन्होंने भी चेक करा तो कोई भी सामान नहीं था, हम लोगों ने सारा सामान निकाल लिया था सब।
पानी की बॉटल्स बहुत ज़्यादा हम लोग लेकर आए थे, क्योंकि वहाँ मदीने में उन लोगों ने, होटल का जो स्टाफ था उन लोगों ने रख दी थी, लेकिन फिर हम लोगों ने वहाँ छोड़ दी। हमने कहा ज़रूरत नहीं है इसकी, अब यहाँ पर हम लोग रहेंगे तो यहाँ पर अलग पानी मिल जाएगा, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारा सामान जा रहा है, और अब हम आपको दिखाते हैं ये अंदर से ले जा रहे हैं जब सामान, और ये किस तरीके से बैग के अंदर करके सामान को ले जाते हैं। जो भी आपका सामान है वो उसको ट्रॉली के अंदर ढक देते हैं और ले जाते हैं। कितने सलीके से ये लोग सामान लेके जाते हैं ये आपने देखा। और ये माशाल्लाह से अकरमा जा रहे हैं अहराम के अंदर। अब हम पहला उमरा करेंगे, और अभी तो हम लोग जा रहे हैं होटल के रूम में, और वहाँ से हम लोग सीधा उमरा में निकल जाएंगे। आप लोग प्लीज़ हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें हमेशा अपनी दुआ में रखिएगा। और आप लोग भी हमारी दुआओं में हैं, अल्लाह ताला आपको भी उम्रा नसीब करे और हमें भी बार बार यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये हमारा रूम है, आप देखिए इसको, और बाकी इसका जो फुल टूर है रूम का वो हम शॉर्ट के अंदर डालेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, तो आप उसमें पूरा रूम का टूर ले लीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये बिल्कुल मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम के एकदम नज़दीक है ये क्लॉक टावर जो है, जिसको मक्का टावर भी कहते हैं, वहाँ पर है ये गुस्से। देखिए ये ड्राइंग रूम है जैसे ही आए, और डाइनिंग रूम था वहाँ पर, डाइनिंग टेबल डली थी जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह रखे थे, और ये ड्राइंग रूम है। और ये माशाल्लाह से ये देखिए विंडो से नज़ारा नीचे का देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह क्या नज़ारा है इसका, कितना खूबसूरत, दुनिया का शायद सबसे खूबसूरत नज़ारा है ये, जहाँ पर हर मुसलमान की दिली हसरत होती है कि वो यहाँ जाए। और आगे मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।